तस्वीरें हरियाणा की यमुनानगर की है, जहां हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ग्रुप डी परीक्षा के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि कैंडिडेट्स बसों की छत पर मौत का सफर करते दिख रहे हैं। करीब 50,000 छात्र परीक्षा देने पहुंचे थे और परीक्षा खत्म होने के बाद कैंडिडेट्स का हुजूम जमा हो गया। हर कोई जल्द से जल्द बस पकड़कर अपने घर रवाना होना चाहता था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चौराहे पर पुलिस वाले खड़े थे, लेकिन किसी ने इन ओवरलोडेड बसों को रोकने की कोशिश नहीं की। कैंडिडेट्स अपनी जान जोखिम में डालकर रोडवेज की बसों की छत पर बैठकर यात्रा करने को मजबूर हैं। परीक्षा दो दिन की है, इस एग्जाम में भीड़ उमड़ेगी ये प्रशासन को पहले से ही पता था। सवाल यह है कि इससे निपटने के लिए इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे। सूरत की रहने वाली धरती जैन आईएएस की कोचिंग छोड़कर आज सन्यासी बनने जा रही है। धरती जैन चेन्नई में आज 20 और लोगों के साथ जैन धर्म की दीक्षा लेंगी। धरती के एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। धरती डबल ग्रेजुएट है, उसके पास डबल मास्टर डिग्री है, डबल गोल्ड मेडलिस्ट है, बीए संस्कृत और बीबीए में गोल्ड मेडलिस्ट है। हाथ में अपने गोल्ड मेडल लिए धरती का सपना भी सोने की तरह चमकीला था। वो कलेक्टर बनना चाहती थी और यूपीएससी की कोचिंग के लिए दिल्ली पहुंची। कोचिंग के 8 महीने बाद एक दिन धरती जैन ने घर पर फोन कर कहा कि वो कलेक्टर नहीं बल्कि भिक्षुक का जीवन जीना चाहती है। मैं पहले आईएएस बनना चाहती थी, तो मैं उसकी कोचिंग कर रही थी दिल्ली में। मैंने लगभग 9 महीने कोचिंग ली, उसमें मेरा सब्जेक्ट था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और पहले ऐसे होता था कि दो सब्जेक्ट लेने होते थे, तो उसके लिए मैंने सेकंड सब्जेक्ट मेरा गुजराती लिटरेचर था। शुरुआत में धरती के परिवार ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन धरती नहीं मानी। धरती का बचपन धार्मिक जैन परिवार में बीता, यही वजह है कि परिवार ने भी धरती के निर्णय का आदर करने का फैसला किया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में मैरिज गार्डन में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आग से गार्डन में लगा पूरा पंडाल जलकर खाक हो गया। शाम करीब 6 बजे सेक्टर 9 स्थित ओलिव ग्रीन्स मैरिज गार्डन में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने वक्त रहते मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि जिस वक्त ये आग लगी वहां कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा था, वरना यह हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। इस अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ। आग कैसे लगी फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक ये मैरिज गार्डन हरियाणा के पूर्व मंत्री का है। हंगामे की ये तस्वीर दिल्ली के मानसरोवर पार्क की है, जहां दो गुटों में झगड़ा हो गया। झगड़े की वजह बनी एक बाइक। दरअसल इलाके में एक मॉडिफाइड बाइक जो बहुत ज्यादा शोर कर रही थी उसे लेकर झगड़ा शुरू हुआ और झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। बाइक को लेकर ऐसा गुस्सा भड़का कि लोग मरने मारने पर आमादा हो गए। सीसीटीवी तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग बाइक को तोड़ रहे हैं, उठा उठा कर बाइक को पटक रहे हैं। कुछ लोग वहां रखे पत्थर घर की ऊपरी मंजिल पर भी मार रहे हैं। आईटीबीपी जवानों के मार्शल आर्ट्स की तस्वीर उत्तराखंड के ऋषिकेश की है। जवानों को फौलाद बनाने के लिए उन्हें खास तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। शिवपुरी में भागीरथी नदी के किनारे मौजूद इन जवानों को हर हालात से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। हर आपदा के वक्त आईटीबीपी के जवान अपना दमखम दिखाते हैं और वो हमेशा मुस्तैद रहते हैं। राहत और बचाव के काम में भी बढ़ चढ़ कर अपना योगदान देते हैं।